दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में। ये मैंने प्रोजेक्ट नया बनाया है कि पाइप इंस्पेक्शन रोबोट, इसके अंदर इंस्पेक्ट भी करेगा और दूसरा काम पर्पज भी है, मोबाइल फोन ऑपरेट पे चलता है टोटल प्रोजेक्ट। ठीक है, पूरा इसका ऑपरेशन देखो। इसके लिए हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया, मोटर चालू, इसके बीच में पंप का हमने ऑपरेशन एक बटन रखा है, ऑप्शन रखा है। यहाँ से हम सेंटर से पेंट भी करेंगे। इसमें बेसिकली फीचर्स, चार फीचर्स है इसके प्रोजेक्ट के। फर्स्ट फीचर है पेंटिंग, जो पाइप के इनसाइड में बंद कर देगा, पाइप पे इनसाइड पे पेंट करेगा, जिसके वजह से जो वाटर जा रहा है और पाइप जो रस्टी हो रहा है या कोरोडेड हो रहा है, तो आप सर्टन टाइम के बाद पाइप के अंदर भी पेंटिंग कर सकते हो। अभी ज़्यादातर इसका यूजर्स कैसा है समझूंगा, ज़्यादातर प्रोजेक्ट का यूजर्स है अब वाटर पाइपलाइन, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है, जो बहुत सारे डैम से वाटर BMC या जो भी गवर्नमेंट सोर्स से पंपिंग द्वारा भेजी जाती है कोई भी गांव में कहीं भी जगह, तो उसके अंदर एक सर्टन टाइम के बाद वो कोरोजन पकड़ता है, तो वो ना पकड़े इसके लिए ये हमने एक प्रोजेक्ट का डिजाइन किया है। दूसरा इसका यूज है, आप वेल्डिंग भी मार सकते हो, इनसाइड वेल्डिंग। अगर दो पाइप ज्वाइन होने के बाद अंदर के साइड से वेल्डिंग मारने के लिए आदमी को जाना पड़ता है, उसकी रिप्लेस में आप जिस तरीके से हम एक बार दिखा देते हैं, अगर आगे वाला आर्म जो रोटेट हो रहा है, ये आगे आर्म रोटेट हो रहा है, इसकी जगह हम वेल्डिंग का आर्म लगा के स्लोली इसका RPM स्लो करके हम सेम वेल्डिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं। और ये टोटल ऑपरेशन होगा मोबाइल ऑपरेट। बाद में इसके आगे हमने वीडियो कैमरा रखा है, उसको लगाने के लिए हमने एक मोबाइल का होल्डर जो रहता है मोबाइल होल्डर, उसका हमने अरेंजमेंट किया है मोबाइल होल्डर का। इस तरीके से मोबाइल इसके अंदर हम होल्ड करके डायरेक्ट उसके ऊपर विजिबिलिटी कर सकती है कि कैसा अंदर ऑपरेशन हो रहा है। तो ये आगे जाके इधर इसके लिए माउंटिंग के लिए इधर रखा है हमने, यहाँ मोबाइल हमारा माउंट हो जाएगा। ये वो सेकंड ऑप्शन, वेल्डिंग और पेंटिंग। थर्ड ऑप्शन, आप अंदर कुछ अटक गया, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि पाइप के अंदर कुछ तो फंस जाता है, लकड़ा बड़ा या कोई भी रॉ वाटर स्लरी वाटर आके फंस जाता है, कीचड़ फंस जाता है, तो हम आदमी को हर बार पाइप के अंदर डाल सकते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन है कि ये जाके अंदर जाके चेक कर लेगा। फोर्थ है कि इसका आप देखोगे जिस तरह हमने डिजाइन बनाया, जिसके अंदर हमने डिजाइन बनाया, तो इसके ये ना पाइप एडजस्ट करता है। अगर आप इसको दबाओगे ना ऐसा, तो इसके अंदर हमने स्प्रिंग डाला है। अभी इसको टाइट किया, लॉक करें, लॉक अरेंजमेंट अगर खोल देंगे हम, तो अभी ये देखो, अभी इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर स्प्रिंग अरेंजमेंट हमने करके रखी है, जो अपने वो पाइप को एडजस्ट कर लेती है। पीछे भी सेम, आगे भी सेम, ऐसा हमने प्लस मार्क में डिजाइन बना के रखा है। और आप पूरा प्रोसेस दिखा दूं, वायरलेस भी ऑपरेट हो रहा है पूरा। तो हमने ये पूरा पाइप का एक 2 इंच के पाइप का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, उसको चारों साइड से आप देख सकते हैं। ऊपर इसका है सर्किट, सर्किट आ गया इधर, सभी सर्किट है। बहुत सिंपल हमने मॉडल बनाया है सर्किट का। मैं आगे वीडियो के एंड में सर्किट का पूरा कंप्लीट कैसा सर्किट डायग्राम ये सब डाल दूंगा। मोटर ड्राइवर अपना एटमेगा 328 ब्लूटूथ मॉड्यूल, वोल्टेज रेगुलेटर और पावर सोर्स, हमने 12 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर सोर्स यूज किया। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के लिए हमको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।